हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मुस्कान गोयल। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। DIY आईब्रो जेल घर पे बनाने के लिए सिंपली कोई भी कंटेनर में हमें सबसे पहले लेनी है एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज नहीं कर सकते, वरना हम इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एलोवेरा जेल का यूज नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे आप वैसलीन या फिर ग्लिसरीन का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे ब्राउन कलर देने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ कॉफी पाउडर। आप चाहे तो कोको पाउडर, ब्राउन आई शेडो या फिर लिपस्टिक का भी यूज कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हमें इसमें ऐड करने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे आप थोड़ा सा फाउंडेशन का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप फाउंडेशन का यूज नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे आप थोड़ा सा कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। तो इसे स्क्रैच करके मैंने इसमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर लिया है। तो अब हम इतने ही इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं। अब हमें इस बने हुए मिक्सचर को मिलाना है एकदम अच्छे तरीके से। अगर आप एलोवेरा जेल की जगह वैसलीन यूज कर रहे हो तो आप याद रखें कि आपको उसे गर्म करना पड़ेगा, वरना वो जम जाएगा और आपका आईब्रो जेल खराब हो सकता है। और अगर आप एलोवेरा जेल या फिर ग्लिसरीन का यूज करें तो याद रखें हमें इसे कम यूज करना है और कोको पाउडर या फिर कॉफी पाउडर की मात्रा ज्यादा रखनी है, जिससे हमारा आईब्रो जेल पतला नहीं बनेगा। हमें इन तीनों को एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा, वरना दरदरापन रह सकता है जिससे हमारी आईब्रो जेल खराब हो सकती है और यह लगाते वक्त अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसका कलर पहले से काफी ज्यादा डार्क लग रहा है, जैसा कि हमने चाहा था। एंड गाइस, आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी एलोवेरा जेल यूज की थी, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा लिक्विड बनाया, इसलिए हमें एलोवेरा जेल की क्वांटिटी कम रखनी है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सही करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी। अगर आपका सही बन जाता है तो आप इसका यूज ना करें, इसलिए मैं केवल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर इसमें स्क्रैच करके यूज कर रही हूँ। और इसे मिलाने के बाद हमें इन तीनों को वापस से एकदम अच्छे तरीके से मिलाना होगा। अब ये हमारा आईब्रो जेल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये यूज करने के बिल्कुल लायक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड गाइज, मेकअप के अदर प्रोडक्ट भी मैंने घर पे बनाना सिखाए हुए हैं, उनकी वीडियोस अपलोड है, लिंक भी गिवन है, आप वे वीडियोस भी देख सकते हैं और ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपको कैसे लगे। सो गाइज, हमारी आईब्रो जेल यूज़ करने के बिल्कुल लायक है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छा ब्राउन कलर भी दे रही है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लिक्विड लग रही हो तो आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी करेगी। एंड आज की ये आईब्रो जेल हमारी 100% वर्किंग है। ये बहुत अच्छा कलर भी दे रही है, साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी कर रही है। अगर आप इसे घर पे बनाते हैं तो कमेंट्स में रिजल्ट जरूर बताएं कि कैसी बनी है आपकी, कैसा आपका कलर आया है इस आईब्रो जेल का। और मेकअप के अदर प्रोडक्ट्स भी आप घर पे जरूर ट्राई करें और बताएं कमेंट्स में रिजल्ट कि कैसे बने हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू।